जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस वक्त मुसल्लत हुए हुए हैं। अब हाल ये है कि आज इन्होंने मेरी एंट्री जो है वो बैन करने की कोशिश की, लेकिन जो सिक्योरिटी अहलकार थे उन्होंने जब मुझे देखा पहचाना तो उन्होंने इनके गैर कानूनी गैर आइनी इकदाम को मानने से इनकार किया। कल इन्होंने आईजी पंजाब को बुला के भी ये कहा कि आप उनको जो है वो आने से जो है वो रोकें। उन्होंने भी ये कहा कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी हुक्म है, मैं इसको जो है इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म के हथकंडों पे ये अब उस वक्त आए हैं जब इनको ये मालूम हो चुका है कि इनके पास नंबर नहीं है, इनके पास नंबर नहीं है और ये इत्माद का वोट जो है वो नहीं ले सकते। और उसके बाद इनको खौफ इस बात का है कि इनकी चोरियां, अब आप देखें कि कल की जो मीटिंग हुई है अपना जमा पार्क में, वहाँ पे 3000 अरब का जो है वो एलिगेशन लगा है मौजूदा वज़ीर आला पंजाब पे, उसके बरखुरदार पे और उसके फ्रंट मैन एजाज नियाजी के ऊपर। हमें भी खबर है, एजेंसीज़ ने जो है वो इस बारे में तमाम जो है वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरीज और जो है वो जानकारी की है, तो हमें भी मालूम है कि इन्होंने इस तरह से लूटा है पिछले 2-3 माह में पंजाब को कि इस लूट मार की कोई मिसाल नहीं मिलती। और इस लूट मार में जो है ये इमरानी टोला भी पूरी तरह से शामिल था और चौधरी परवेज़ इलाही और उसका बरखुरदार भी जो है वो शामिल था। और सारा पैसा जो है, सारा पैसा, अब यहाँ पे कहते हैं कि जी डॉलर महंगा हो गया है, वो भाई डॉलर जो है वो तो सारा तुमने ख़रीद के जो है वो बैरून मुल्क मुंतकिल किया है। ये सारी स्मगलिंग, ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग जो आपने पिछले 2-2.5 माह में की है, ये जब सारी चीज़ें सामने आएंगी तो फिर ये एक बात जो है ये आपके ऊपर साबित होगी कि इस महंगाई के ज़िम्मेदार आप हैं, इस डॉलर के महंगा होने के ज़िम्मेदार आप हैं, इस मनी लॉन्ड्रिंग में आप मुलव्वस हैं। ये हम नहीं इल्ज़ाम लगा रहे, हमने तो अभी तक ये सारी इंक्वायरी जो हैं ये सारी जो हैं वो कागजात में मौजूद हैं। और हमारा ये ख्याल था कि ये लोग ये वापस आए मोनिस अलाई साहब और आके अपनी बात का जवाब दें, उनको क्वेश्चन पुट किया जाएगा कि ये आपके अमाल हैं, बताएं इसमें आपका क्या मौका है, और उसके बाद आगे कानून अपना रास्ता लेगा। लेकिन अब ये खुद ही चोर जो है ये कल आपस में दस्तों गिरेबां हुए हैं। इन्होंने उनको कहा है कि जी आपने 3000 अरब रुपया जो है वो लूट के आप ले गए हैं, और उन्होंने इनको कहा है कि जनाब आपने इससे भी जो है वो ज़्यादा जो है वो लूटा है। तो ये है इनका सही मानों में मकरूह चेहरा जो आवाम के सामने जो है वो अयां होगा। देखें मामला ये है कि हमने तो कभी भी ये नहीं कहा कि हमारे पास फिगर जो है यह हमारा नंबर 186 है, हमने हमेशा बिल्कुल सही बात की है, हमारे पास फिगर जो है वो 179 है और हमारी कोशिश है कि वो 180 हो जाए। इनके पास जो कि इन्होंने इत्माद का वोट लेना है, इनके पास 186 नहीं है, जो कि गलत तौर पे ये कह रहे हैं कि हमारे पास 186 है। अब बाकी रही बात कि ये इस सूरत हाल में देखें, इस सूरत हाल में अगर न्यू चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होता है तो वो आइन में दर्ज है कि वह रन ऑफ इलेक्शन के तहत मेंबर प्रेजेंट वोटिंग में जो अक्सरियत होगी जिसकी, वो जो है वो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो सकता है। या फिर ये ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें आइनी तौर पे एक ऐसा रास्ता मौजूद है जो फेडरल गवर्नमेंट ऑप्ट कर सकती है और उसे कहते हैं गवर्नर राज।